आपके सामने कितना सारा हिस्ट्री खुल के आ चुका है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं कितना सारा, किसी का भी आप नंबर का डिटेल्स निकाल सकते हैं। कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी सिम का आप कॉल डिटेल्स किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन का, जितना दिन का भी आपको निकालना हो कॉल डिटेल्स, वो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब भी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी जियो सिम के बात कर रहा हूँ, मैं जियो सिम का भी आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको एयरटेल का निकालना है तो एयरटेल थैंक्स को डाउनलोड करना होगा, और आपको VI का निकालना तो VI का ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी आपको जियो का निकाल के बताने वाला हूँ, तो मैं अपना जियो का ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास जियो का सिम है तो सिंपली प्ले स्टोर में आप आ जाइए, उसके बाद सर्च कीजिए माई जियो, ठीक है ना। जैसे आप सर्च करेंगे माई जियो, उसका लोगो कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। ऐसा लोगो है, इसको आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक ना। बिल्कुल पुलिस तरीका जैसा मैं बताऊँगा, जैसा पुलिस लोग निकालता है कॉल डिटेल्स, वैसा मैं आपको निकाल के बताने वाला हूँ, ठीक है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ओपन पे सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ओपन पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का लोडिंग लगा। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं डाउनलोड करके, तो आपको इसमें मोबाइल नंबर से साइनअप करना होता है, ठीक है ना। मेरा ऑलरेडी इसमें साइनअप कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। जितना भी आपका पूरा ये सब दिख जाएगा, ठीक है, कितना का रिचार्ज प्लान वगैरह है, ये सब आपका पूरा दिख जाएगा, ठीक है ना। नीचे का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मीनू का, इस पर आपको सिंपली ओके करना है, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका पूरा खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं कितना सारा सेटिंग है, आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना माई यूज, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ माई यूज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने तीन तीन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। पहला ऑप्शन है ये देख सकते हैं डाटा, दूसरा ऑप्शन है कॉल, तीसरा ऑप्शन है SMS। आपको क्या चेक करना है, कॉल हिस्ट्री ना, तो आप सिंपली कॉल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं कॉल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कॉल पे क्लिक करें देंगे, फिलहाल मैं 1-2 दिन में किसी से बात नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा सिम का रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। अगर आप किए होंगे तो आपका पूरा शो कर जाएगा, ठीक है ना, यूज मतलब किधर किधर किए। और नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप ऐसा मत समझिए कि ये रिचार्ज नहीं है तो नहीं दिखेगा, फिर भी आप देख सकते हो आपका रिचार्ज रहे या ना रहे, क्योंकि पहले का तो दिखाएगा ना, 1-2 दिन का नहीं दिखाएगा, आज का नहीं दिखाएगा, पहले का तो दिखा सकता है ना। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे डू यू वेंट टू व्यू प्रोवाइड यूज स्टेटमेंट, इस पर आपको सिंपली ओके कर देना होगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर ओके कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट प्रीपेड, यानी आप कितना दिन का चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 7 दिन है, 15 दिन, 30 दिन, मैं फ़िलहाल अभी आपको 15 दिन का चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना। आप अपना मर्जी के हिसाब से चेक कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम डेट है, इस पर क्लिक करके आप डेट वगैरह भी फिक्स कर सकते हैं। मैं 15 दिन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट ऑप्शन, यानी ईमेल स्टेटमेंट, यानी आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए डाउनलोड स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे आपका आएगा, ठीक है। और नीचे दिखाई दे रहा है व्यू स्टेटमेंट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये भी आप देख लेंगे लाइव, ठीक है ना। तो मुझे फिलहाल अभी लाइव देखना है, ठीक है ना, तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू स्टेटमेंट, इस पर आपको ओके कर देना होगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा 1 से 2 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं ऊपर आपके सामने कई सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। माई बिल, माई प्लान, माई यूज, चार्ज, समरी, कितना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है चार्ज ना, यूज चार्ज, इस पर आपको ओके कर देना होगा। जैसे आप उस पर ओके करेंगे, आपके सामने तीन तीन ऑप्शन दिखाई देगा, डाटा, वॉइस, SMS। आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है वॉइस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हेयर, SMS। आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपका ये देख सकते हैं जितना भी कॉल
हिस्ट्री है ना वो पूरा आपका खुल के आ जाएगा। ये देख सकते हैं मेरा पूरा कॉल हिस्ट्री खुल के आ चुका है, ठीक है ना। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो यही तरीका है जियो सिम में देखने के लिए, ठीक ना। अगर आपका एयरटेल सिम है तो आप एयरटेल सिम में भी बिल्कुल ऐसा ही तरीका से देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में आपको मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आपका वोडा भी आई का है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।